For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello friends, welcome to Movies Adda. मैं हूँ ज्योति नाहक और दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस सीजन 12 के फिनाले की. अरे फिनाले की बात क्यों कर रही हूँ मैं अभी तो एक ही महीना हुआ है. वेल, फिनाले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, फिनाले की बात कर रहे हैं दीपिका और श्रीसंत. जी हाँ, दीपिका और श्रीसंत हाल ही में एक वूट के एक वीडियो में ये दिखाया गया कि वो दोनों बैठकर फिनाले के बारे में डिस्कशंस करते नजर आए, जहाँ ये दोनों अपना मास्टर प्लान रिवील करते नजर आए. जी हाँ, फिनाले के लिए जिसको अभी 2 महीने लगभग और भी बाकी है, उस पर ये दोनों ही कंटेस्टेंट डिस्कशन करते नजर आए. जहां श्रीसंत एक तरफ कहते हैं कि मुझे ये ट्रॉफी किसी भी हाल में जीतनी है, वहीं दीपिका भी सामने से ही कहती नजर आई. जब श्रीसंत ने पूछा कि आपको भी ट्रॉफी जीतनी है, आपको भी बिग बॉस जीतना है, तो दीपिका ये कहती नजर आई कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ टाइम पास करने थोड़ी आई हूँ. तो ये सब बातें होती हुई नजर आई दीपिका और श्रीसंत के बारे में, और दोनों ही एक दूसरे को फिनाले में टक्कर देने की बात भी कर रहे थे. जहां दीपिका ने कहा कि यानी फिनाले में हम आमने सामने होंगे और कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग होगा, मैं आपको कड़ी टक्कर दूंगी या फिर मैं आपको कड़ी टक्कर दूंगा. तो ये जो भाई बहन की जोड़ी है ये स्ट्रैटेजी बनाती हुई नजर आई, वो भी फिनाले के लिए. सो इस पर आपका क्या कहना है? इसे इनका कॉन्फिडेंस समझा जाए दीपिका और श्रीसंत का, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस समझा जाए, ये आप पर छोड़ा जाता है डिसीजन. सो आप कमेंट्स करके हमें बताइए कि दीपिका और श्रीसंत का फिनाले पर डिस्कशन करना ये इनका कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, कि ये दोनों ही फिनाले में डेफिनेटली होंगे और या फिर डेफिनेटली पहुंचना जरूर चाहते हैं. तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट्स करना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले.